नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब बड़वानी अध्यक्ष अमजद खान ने एक शाम वतन के नाम कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय होटल शिवशंकर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को नगर के कई गणमान्य नागरिकों ने सुनकर गायक कलाकारों की प्रशंसा की। वहीं क्लब के अध्यक्ष अमजद खान ने बताया कि इस कार्यक्रम में नगर की नई प्रतिभाओं को भी गाने का अवसर दिया गया और उनका हौसला अफजाई करने के लिए नगर के कई वरिष्ठ नागरिक और गणमान्य नागरिकों ने आकर उत्साह वंदन किया। इस कार्यक्रम में अंजन राजपूत, सेंधवा, इंदौर, आली राजपुर, दवाना और बड़वानी के कलाकारों ने हिस्सा लिया। अमजद खान ने बताया कि हमारे नगर बड़वानी में हर साल 16 अगस्त को हम एक शाम वतन के नाम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जो सफलता पूर्वक नगर वासियों के आशीर्वाद से होता आया है। इस अवसर पर कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब बड़वानी के अध्यक्ष अमजद खान, सदस्य रफीक शेख पेंटर, सदस्य जाबिर मंसूरी, सदस्य पवन नागर और श्रीमती प्रियंका नागर, मोहम्मद रफी साहब, कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब की यह 14वीं संगीत निशा की प्रस्तुति है एक शाम वतन के नाम। करवाने का आपका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो सभी दोस्तों को मेरा आदर, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो शाम है, एक शाम वतन के नाम कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में रखी है। इसमें स्थानीय गायकों के अलावा दवाना से, अलीराजपुर से मेरी दीदी संगीता भावसार में आए हैं। हमने देशभक्ति के एक से एक सॉन्ग रखे थे इसमें। सर, आगे आपका क्या उद्देश्य है? आगे उद्देश्य यही है, मेरा मिशन यही है कि संगीत की धारा ऐसी बहती रहे और अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है, हमारी संस्कृति है। कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में नई प्रतिभा को मंच देना। कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में हम हमेशा फेस्टिवल के दो त्यौहार करते हैं, एक शाम वतन के नाम और होली मिलन समारोह। हमारा उद्देश्य यही है, नई प्रतिभाओं को मंच देना, उन्हें आगे बढ़ाना और वो जो प्रतिभा जो छुपी है हमारे, इसमें उम्र का कोई लेवल नहीं है कि बच्चे होना, हम उम्र होना। वो प्रतिभा जो कहीं ना कहीं छुपी है, कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब चाहता है कि वो प्रतिभा आगे जाए और खूब नाम, शोहरत, इज्जत कमाए। आप नए सिंगरों के बारे में क्या कहेंगे? नए सिंगर बहुत ही अच्छा अच्छा गा रहे हैं अभी, और मेरी दुआ, मेरा आशीर्वाद ये है, मेरे साथ रफीक भाई, रफीक मंसूरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। विगत 41 वर्षों से लगातार मोहम्मद रफी फेस क्लब का आयोजन करते आ रहे हैं और नई प्रतिभाओं को यही है कि वो खूब नाम कमाए, शोहरत कमाए, इज्जत कमाए। कुमार सानू फेस क्लब के में अमजद खान अध्यक्ष, रफीक भाई पेंटर मेरे सचिव, खास उपाध्यक्ष सचिव जाबिर भाई मंसूरी और हमारे फेस क्लब की दो गायिका प्रियंका नागराज मैम और संगीता भावसर दीदी जो अलीराजपुर से हमारे बीच में जुड़ी है, और हमारे पवन भाई नागराज करपट सदस्य जो हमारे मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चलते हैं, और इसी टीम है हमारी। बहुत अच्छा गाते हैं और गा रहे हैं, और यही दुआ है कि सभी बहुत आगे बढ़े। कुमार सानू फ्रेंड्स क्लब आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। आप सभी ने आपको माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत बेहतरीन है, आपका क्या कहना है नई प्रतिभाओं के बारे में? नई प्रतिभाओं को भी मतलब नए गाने तो खैर गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको पुराने गानों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुराने गानों से उनकी जो एक सुर है, ताल है, उसमें सुधार होगा। इसलिए मैं नई पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि नए गीत तो गाए हैं, साथ ही पुराने गानों को भी महत्व दें। गणेश भाई, शेखर भाई, Oh,
बड़वानी से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।